हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन निवाड़ और आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि इसमें हम पढ़ रहे थे बंगाल में अंग्रेजों का सुदृढ़ीकरण, जिसमें हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में बक्सर का युद्ध और उसके महत्व है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किलायत को दूसरी गवर्नरी, ठीक है, क्लाइव को दूसरी गवर्नरी क्यों सौंपी जाती है। और उसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे इलाहाबाद की संधि के बारे में कि इलाहाबाद की संधि किस प्रकार अंग्रेजों और शाह आलम मुगल सम्राट के मध्य में होती है और इसमें क्या क्या शर्तें होती हैं, किन किन शर्तों को लेकर ये संधि की जाती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। उम्मीद है आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे और आपको ये वीडियो समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लाइव को दूसरी गवर्नरी सौंपी जाती है, ठीक है। क्या सौंपी जाती है? दूसरी गवर्नरी सौंपी जाती है। और दूसरी गवर्नरी का कार्यकाल कब तक होता है? तो इसका कार्यकाल होता है जून 1765 से जनवरी 1767 तक, ठीक है। जून 1765 से जनवरी 1767 तक दूसरी गवर्नरी का कार्यकाल होता है, ठीक है। अब देखिए, इस गवर्नरी के कार्यकाल में सबसे पहले जो बात थी महत्वपूर्ण, वो बात सुनिए। उस समय जब इसको लगाया नहीं गया था, तो उस समय एक तो कंपनी जो थी वो बक्सर जैसा महत्वपूर्ण युद्ध 1764 में जीत चुकी थी और उसके बाद उसके साम्राज्य में, उसके बाद उस कंपनी के विस्तार में, कंपनी के व्यापार में एक बहुत बड़ी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उस वृद्धि के लिए एक अच्छे और अनुभवी व्यक्ति की जरूरत महसूस कर रही थी कंपनी, इसलिए क्लाइव को इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति माना जाता है और उनको कहा जाता है कि आप दूसरे कार्यकाल के लिए आइए। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि कंपनी के अंदर के जो लोग थे वो अपने आप को स्वामी समझने लग गए थे, यानी कि हर जो व्यक्ति था कंपनी से जुड़ा हुआ वो अपने आप को स्वामी समझता था, क्योंकि आम जनता उसका विरोध नहीं कर सकती थी। अगर कोई व्यक्ति उसका विरोध करता भी था तो वो उल्टी सीधी बातें चढ़ाकर कंपनी में बोल देता था कि ये हमारे काम में अड़चन डाल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कंपनी में शामिल हो गए थे। दूसरे, कंपनी में शामिल लोग जो थे वो अलग अलग जमींदारों से मिलकर, अलग अलग सेठों से मिलकर, अलग अलग व्यापारियों से मिलकर अपनी अपनी संधि कर रहे थे और कंपनी के वेतन के अलावा मुनाफा कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके जो शीर्ष नेता थे, उनके शीर्ष जो अधिकारी थे, वो भी क्या करते थे, बड़ी रकम मांगते थे। किन से? जो नवाब होते थे या फिर सुल्तान है दिल्ली का। तो छोटे अधिकारियों ने भी क्या किया कि क्यों ना हम भी ये काम करें, तो उन्होंने भी ये सब कुछ करना आरम्भ कर दिया और उन्होंने अपनी तरफ से, कंपनी की तरफ से उनसे क्या कर ली, साठगांठ कर ली। इससे क्या हुआ, कंपनी को नुकसान होने लगा और जितना टैक्स उनको पहले मिल रहा था, कंपनी का विस्तार हो जाने के बाद भी उतनी रकम प्राप्त नहीं हो रही थी, ठीक है। इस कारण से कंपनी ने एक जरूरत महसूस की कि हमें वापस से क्या करना है, क्लाइव की नियुक्ति करनी है ताकि कंपनी के प्रशासन में क्या किया जा सके, सुधार किए जा सके। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए क्लाइव की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, जब क्लाइव की नियुक्ति कर दी जाती है तो सुधार की आवश्यकता को महसूस, जो सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है, इसलिए कंपनी ने दूसरी बार क्या किया, क्लाइव को गवर्नर नियुक्त कर दिया, ये बात ठीक है। अब देखिए, कंपनी के बहुत सारे लोग जो थे वो महत्वाकांक्षी थे, ये बात बिल्कुल सही है, पहले से ही सही है, कंपनी खुद महत्वाकांक्षी थी। तो जैसे ही बक्सर का युद्ध जीता जाता है तो कंपनी के बहुत सारे लोगों ने कहा कि चलो चलो दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं, दिल्ली हमारी हो जाएगी, पूरा हिंदुस्तान हमारा हो जाएगा, हम दिल्ली के स्वामी बन जाएंगे, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उसके बाद तो संपूर्ण भारत हमारा होगा। तो क्लाइव ने उनको समझाया, बेटा रुको अभी, ठीक है, इतना मत उड़ो, आपने दो युद्ध जीत लिए उसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा भारत तुम्हारा हो गया, इसलिए धैर्य से काम रखो, वरना ये जो तुम्हारे बिहार बंगाल है ना, ये भी नहीं समझेंगे तुमसे, क्योंकि भारत जो है वो असीमित क्षमताओं का एक ऐसा देश रहा है। क्लाइव इस बात को समझता था कि कैसे बड़े बड़े शासकों ने यहाँ आक्रमण किया, वो लोग भी यहाँ पर परमानेंट नहीं टिक पाए, तो हमें इतनी जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, ठीक है। क्लाइव इस चीज को भली भांति जानता था,
कि तैमूर जैसे लोगों का यहाँ पर आक्रमण हो चुका है, लेकिन यहाँ की जो भारतीय जनता है वो सहन करना जानती है, और सहन करना जानती है तो फिर उखाड़ना भी जानती है। तो क्लाइव ने क्या किया, अपने जो लोग थे उनको क्या किया, मना कर दिया। ठीक है, अपने जो लोग थे उनको मना कर दिया कि हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, एकदम से दिल्ली पर आक्रमण करने का विचार जो है या फिर कोई और जो विचार है वो हमको अपने मन में नहीं लाना है। अभी हमको अपना जो साम्राज्य है वो केवल बिहार, उड़ीसा और बंगाल तक ही क्या रखना है, सीमित रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। किलायत का मानना था यदि शाहआलम को अकेला छोड़ दिया जाएगा, यदि शाहआलम को अकेला छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, मराठे इस बात का फायदा उठा लेंगे। जो मराठे हैं वो इस बात का क्या उठा लेंगे, फायदा उठा लेंगे। क्या फायदा उठा लेंगे, वो मराठा को सैनिक सहायता उपलब्ध कराएंगे, और मराठे और मुगल मिलकर कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे। क्या करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो मुगल शासक है शाहआलम, इसको अपने साथ ही रखना है, अपने से दूर नहीं करना, और इससे क्या करते हैं, हम संधि वार्तालाप कर लेते हैं। क्योंकि अंग्रेजों का मानना यह था कि इस समय जो शाहआलम है उसकी जो स्थिति है वो क्या है, काफी कमजोर है, और कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। क्योंकि हमारे पास शक्ति तो है लेकिन जनता का समर्थन नहीं है, और शाहआलम के पास शक्ति नहीं है लेकिन हिंदुस्तान की जनता अब भी उसे अपना बादशाह मानती है। ठीक, तो फिर क्या था, क्लाइव ने बड़ी सूझबूझ के साथ क्या किया, इनसे समझौता कर लिया। किससे समझौता कर लिया, मुगल बादशाह शाहआलम से समझौता कर लिया, और एक संधि कर ली जो इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है, और उस संधि का नाम क्या है, इलाहाबाद की संधि। क्या नाम है उस संधि का, इलाहाबाद की संधि, जो कब संपन्न हुई थी, जो 12 अगस्त 1765 को संपन्न हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें समझौता होता है अंग्रेजों और मुगल शासक शाहआलम के मध्य में, कब होता है, 12 अगस्त 1765 को यह समझौता होता है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि क्या होती है, संपन्न होती है। इलाहाबाद की संधि में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें रखी जाती हैं, यहां पर तुमको इसमें जोड़ लेना है, कोष्टक में लिख लेना है कि ये अंग्रेजों की तरफ से किसने की थी, क्लाइव ने की थी। ठीक है, और जो मुगल थे उनकी तरफ से किसने की, तो शाहआलम ने की थी। ठीक है, शाहआलम, तो ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। अब देखिए, पहली शर्त यह रखी गई कि कड़ा और इलाहाबाद, पहले जो कड़ा और इलाहाबाद थे वो अवध के अधीन थे, अवध के नियंत्रण में थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, कड़ा और इलाहाबाद को मुगल बादशाह को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, मुगल बादशाह को सौंप दिया। कहा कि आज से जो इलाहाबाद है और कड़ा है ये दोनों ही तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे। ठीक है, कौन कौन सी जगह, कड़ा और इलाहाबाद, ये दो जगह किसको सौंप दी जाती हैं, मुगल बादशाह को सौंप दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो शर्त थी, नेक्स्ट जो मान्यता थी वो ये थी कि मुगल बादशाह ने एक फरमान जारी किया, जब अंग्रेजों ने उसको दो जिले दिए तो मुगल बादशाह ने क्या किया, एक फरमान जारी किया, और फरमान में यह बात कही गई कि आज से उड़ीसा, बंगाल और बिहार, कौन कौन, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, इनकी जो दीवानी है वो किसके, किसकी रहेगी, तो वो अंग्रेजों की रहेगी। अंग्रेज वहां पर कर ले सकते हैं, किसी से भी टैक्स उगा सकते हैं, किसी से भी, ठीक है, तो अपनी एक शासन व्यवस्था चला सकते हैं। तो किसको दे दी, अंग्रेजों को दे दी, कहां कहां की दे दी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी दे दी। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण जो चीज थी, मीर जाफर, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो मीर जाफर था उसका बेटा जो था वो उस समय काफी छोटा था, और उम्र के हिसाब से वो नवाब नहीं बन सकता था। नवाब बनाता कौन था, तो दिल्ली का सम्राट बनाता था, तो उन्होंने दिल्ली के सम्राट को एक बात बोली कि आप ऐसा कीजिए, मीर जाफर का जो छोटा बेटा है उसको नवाब घोषित कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो होगा उसे हम संभाल लेंगे। ठीक है,
क्योंकि अंग्रेज चाहते ही ऐसे थे कि कोई कठपुतली जो है वो बंगाल का नवाब बन के रहे और हम लोग अपने आराम से अपने कामों को कर सकते रहे। ठीक, तो इसीलिए मीर जाफर का जो पुत्र होता है नजमुद्दौला, कौन होता है? नजमुद्दौला होता है। इसको एक फरमान के द्वारा मान्यता प्राप्त करवा दी जाती है शाह आलम के द्वारा। ठीक है, अंग्रेज इससे बड़े प्रसन्न होते हैं और वो एक बच्चे को गद्दी पर बिठवा देते हैं मीर जाफर के पुत्र को, और स्वयं आराम से बंगाल के अंदर लूट मार और उसको लूटते रहते हैं बंगाल को। ठीक है, तो नजमुद्दौला को क्या स्वीकार कर लिया? नवाब स्वीकार करवा दिया जाता है, क्योंकि शाह आलम किसी भी चीज की मना उस समय नहीं कर रहा था, जो भी चीज मांग रहे थे बिना सोचे समझे दिए जा रहा था। ठीक है, इसके बदले में कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बात कही, किसको कही? मुगल बादशाह को कही कि हम आपको कितने रुपए? 26 लाख रुपए। ठीक है, कितने रुपए? 26 लाख रुपए। नीचे लिखा हुआ है, एक लाइन है, कंपनी मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देगी, यानी कि प्रत्येक साल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टैक्स के रूप में 26 लाख रुपए बादशाह को देगी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो बातें थी वो होती हैं किनके मध्य में? अंग्रेजों और इलाहाबाद, अंग्रेजों और शाह आलम सेकंड के मध्य में होती हैं इलाहाबाद की संधि में। तो ये आपको याद रखनी है कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी। कड़ा इलाहाबाद को मुगल बादशाह को दे दिया जाता है, मुगल बादशाह एक फरमान द्वारा बिहार बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी होती है वो सौंप देता है अंग्रेजों को, मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया जाता है, और कंपनी मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देने का वचन देती है। तो ये सारी चीजें इलाहाबाद की संधि के तहत महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इसके आगे क्या होता है, आगे देखिए इसमें आगे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें, उधर एक तरफ दिल्ली की सुल्तान शाह आलम के साथ संधि हो जाती है, इधर दूसरी ओर एक और संधि महत्वपूर्ण होती है, और वो महत्वपूर्ण संधि क्या होती है? वो अवध के साथ होती है। किसके साथ होती है? अवध के नवाब के साथ होती है। क्या संधि होती है अवध के नवाब के साथ? जब दिल्ली के साथ संधि हो जाती है तो उसके बाद अंग्रेजों को एक और पृथक संधि करनी पड़ती है। किसके साथ? अवध के साथ। और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके साथ ये संधि होती है। इस संधि में अंग्रेज ये महसूस करते हैं कि हमें इसके साथ एक अलग संधि इसलिए करनी चाहिए कि भविष्य में अवध जो है वो मराठों के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना करे। इसके अलावा अवध हमेशा हमारे ही अधीन रहे और हमारे ही लिए काम करे, इसके साथ साथ कभी भविष्य में कंपनी के लिए मुश्किलें ना खड़ी कर पाए, इसीलिए अवध के साथ संधि कर ली जाती है और क्लैब इस संधि को करते हैं। इस संधि में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी जाती हैं जो अंग्रेजों के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। उसके साथ साथ बक्सर के युद्ध में हार जीत चुके शुजाउद्दौला के लिए भी ये संधि कुछ फायदेमंद होती है, क्योंकि अंग्रेज जिसे चाहे उसे नवाब बना सकते थे, जिसे चाहे उसे अवध सौंप सकते थे। इसीलिए शुजाउद्दौला ने भी झुककर इस संधि को स्वीकार कर लिया, जो कि भारत के हित में तो बिल्कुल नहीं थी लेकिन अंग्रेजों के हित में थी। देखिए इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अवध की संधि की, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला को कड़ा और इलाहाबाद के अतिरिक्त संपूर्ण भाग क्या है वापस मिल जाता है। जो भी उसने हारा था वो अंग्रेज उसे क्या कर देते हैं? वापस लौटा देते हैं। लेकिन कड़ा और इलाहाबाद है वो किसको दे देते हैं? मैंने अभी बताया था, तो वो दिल्ली के सुल्तान को सौंप देते हैं दो जगह, कड़ा और इलाहाबाद। लेकिन अंग्रेज जो चुनार का दुर्ग है, चुनार का दुर्ग है उसे अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि चुनार का दुर्ग सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इतनी महत्वपूर्ण सुरक्षा की जो जगह है वो अवध के नवाब को सौंपी जाए, क्योंकि वो भविष्य के बारे में सोचते थे और उनका मानना था कि भविष्य में ये दुर्ग हमारे लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसीलिए वो चुनार के दुर्ग को अपने पास रखते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण संधि की शर्त थी वो ये थी कि अंग्रेजों ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए, कितने? 50 लाख रुपए
की मांग की। अंग्रेजों ने कहा कि जो युद्ध है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी सोच की वजह से हुआ है। अंग्रेज ये युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर हम पर युद्ध थोपा। इसमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए। इस युद्ध से हमें संसाधनों की बहुत हानि हुई है, इसलिए अवध जो है हमें युद्ध की क्षतिपूर्ति देगा और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देगा। कितने? 50 लाख रुपए देगा। सुजाव दौला ने भी ये मांग सर हिलाकर मांग ली। ठीक है, तो कंपनी युद्ध के रूप में 50 लाख रुपए प्राप्त करती है अवध से, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी, बहुत ज्यादा बड़ी राशि थी किसी भी राज्य के लिए। ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण सत्र में यह बात भी जोड़ी जाती है कि जो मीर कासिम के समर्थक हैं उनको अवध अपने यहां पर ना तो शरण देगा, ना उनकी किसी प्रकार की मदद करेगा, ना उनको किसी प्रकार की नौकरी देगा। ठीक है, यह बात भी इस संधि में रखी जाती है कि मीर कासिम से संबंधित कोई भी व्यक्ति अवध में नहीं होना चाहिए, ना ही उसे अवध का समर्थन होना चाहिए और ना ही सेना का। तो ये भी जोड़ा जाता है। इसके जोड़ने के पीछे महत्वपूर्ण कारण यह था कि मीर कासिम का कोई भी समर्थक या उससे पोषित कोई भी व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध अवध में अपनी गतिविधि ना बढ़ा सके। ठीक है, इसलिए अब देखिए महत्वपूर्ण शर्त इसमें एक यह शर्त भी रखी जाती है, वो महत्वपूर्ण शर्त कौन सी है कि अवध में कंपनी निःशुल्क व्यापार करेगी। ठीक है, कंपनी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो उनका उद्देश्य था, जो उनका सपना था, वो था व्यापार। उन्होंने क्या किया, व्यापार की छूट मांग ली। किससे मांग ली? अवध के नवाब से मांग ली कि जब हम अवध में व्यापार करें तो हमें बिल्कुल निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा प्रदान की जाए। ठीक है, तो इसलिए इनको निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा प्रदान कर दी जाती है कंपनी के द्वारा। ठीक, अब आगे देखिए आगे क्या होता है। अवध की सुरक्षा का दायित्व कौन ले लेती है? कंपनी ले लेती है। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें सुरक्षा की दृष्टिकोण से बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारी अवध की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी होगी, तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो अंग्रेज तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हें अपनी सेना रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक छोटी टुकड़ी अपनी सुरक्षा के लिए रख सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बड़ी सेना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे अंग्रेजों के दो लॉजिक थे, एक तो अवध हमेशा कंपनी के सामने झुका रहेगा, कंपनी के ऊपर निर्भर रहेगा, एक महत्वपूर्ण शर्त यह होती है, और दूसरी उनकी इसके पीछे सोच ये थी, इसके पीछे लॉजिक ये था कि कंपनी हमेशा सुरक्षा के नाम पर इसको सैनिक सहायता देती रहेगी और अवध कभी भी सैनिक रूप से इतना सशक्त नहीं होगा, इतना मजबूत नहीं होगा कि वो अवध को एक बड़ा विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तन कर पाए और कंपनी को कभी चुनौती देने लायक बन पाए। इसके पीछे दो ये लॉजिक थे, तो दोनों ही लॉजिक आपको याद रखने हैं जो क्लैब उस समय सोचता था। ठीक है, इसीलिए अवध की सुरक्षा का भार कंपनी अपने पर ले लेती है। अब देखिए, लेकिन अवध में फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया जाता है। जब क्लैब एक और शर्त रखता है अवध के नवाब के सामने कि क्या हम अवध में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर सकते हैं, तो उस समय सुजाव दौला मना कर देता है, नहीं तुम यहां पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि अवध का नवाब मानता था कि एक बार यहां पर फैक्ट्रियां स्थापित हो गई तो कुछ नहीं रहेगा मेरे हाथ में और यहां पर अंग्रेजों का आना जाना लगा रहेगा, यहां पर भी फिर क्या है षड्यंत्रों का दौर चलेगा और मुझे परेशान किया जाएगा, इसलिए वो अपने मन को दबाकर मना कर देता है और क्लैब भी उस समय जोर नहीं देता क्योंकि अवध में उस समय उनको जरूरत नहीं थी कंपनी स्थापित करने की। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण शर्तें और महत्वपूर्ण संधि जो मांगे हैं वो अवध के नवाब के सामने रखी जाती हैं। ये संधि के रूप में काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या रखनी है, ये बातें याद रखनी है। मैं एक बार वापस से इनको बता रहा हूं, देखना कि अवध के नवाब सुजाव दौला को कड़ा हो इलाहाबाद के क्षेत्र को छोड़कर सारे जो क्षेत्र उसको सौंप दिया जाता है, वापिस कर दिया जाता है। चुनार का जो किला है उसको अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं। अंग्रेजों ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए की जो मांग की थी, ठीक है,
दूसरी शर्त यह रखी थी कि मीर कासिम या उसका कोई समर्थक या उसके द्वारा भेजा कोई व्यक्ति अवध में नौकरी नहीं कर पाए, रह नहीं पाए। अवध जो है कंपनी के लिए निःशुल्क व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराएगा, ये भी शर्त थी। अवध की सुरक्षा का दायित्व जो है वो कंपनी ने अपने कंधों पर ले लिया और फैक्ट्री लगाने की जो बात है वो अवध ने मानने से इनकार कर दी। इसलिए किलाए और अवध साम्राज्य के बीच में जो संधि हुई थी उसकी बातें मैंने आपको बताई थी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद की संधि, उसके बाद बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सारी चीजें एग्जाम में घूमती रहती हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए आगे क्या महत्वपूर्ण होता है कि बंगाल में जो दोहरा शासन है उसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है वो ये देखिए कि आप लोगों को मालूम है कि जो बंगाल का जो नवाब है वो मीर कासिम का बेटे, जो मीर जाफर का जो बेटा था वो बन जाता है। दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाह आलम जो है वो जिम्मेदारी सौंप देता है दीवानी की अंग्रेजों को। तो वहां पर एक प्रकार से दोहरा शासन शुरू हो गया। कैसे दोहरा शासन शुरू हो गया वो ये बोर्ड पर देखिए कि वहां पर कर उगाने का अधिकार किसके पास था, कर उगाने का अधिकार, कर उगाने का अधिकार किसके पास था, तो अंग्रेजों के पास था। ठीक है, अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था। और दूसरा शांति व्यवस्था, क्या शांति व्यवस्था और बाह्य आक्रमण, ये अधिकार किसके पास थे, तो ये नवाब के पास थे। ठीक है, तो इसीलिए बंगाल में क्या चालू हो जाता है, दोहरा शासन चालू हो जाता है। एक तरफ अंग्रेज जो थे वो कर टैक्स उगा रहे थे, न्याय न्याय व्यवस्था ये लोग कर रहे थे। दूसरी तरफ जो छोटा नवाब था उसके पास जिम्मेदारी थी शांति व्यवस्था और बाह्य आक्रमण की। ठीक है, लेकिन यहां पर अंग्रेज जो थे वो अब भी दिल्ली के सुल्तान मुगल बादशाह के अधीन कार्य कर रहे थे संवैधानिक रूप से। ठीक, लेकिन वो बिल्कुल स्वतंत्र थे क्योंकि खुद दिल्ली का सुल्तान उनके अधीन होकर कार्य कर रहा था एक प्रकार से मानसिक रूप से। ठीक है, तो ये दोहरा शासन की बात आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि मां जो मीर कासिम का जो बेटा होता है नजमुद्दौला उससे क्या करते हैं, ये लोग एक और संधि कर लेते हैं और संधि के रूप में ये लोग क्या थोप देते हैं, उनके ऊपर एक और संधि थोप देते हैं। उस संधि के अनुसार 53 लाख रुपए वार्षिक, कितने 53 लाख रुपए वार्षिक टैक्स के बदले में, 53 लाख रुपए वार्षिक टैक्स के बदले में निजामत का अधिकार भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो जो छोटा शिशु था, जो छोटा बच्चा था उससे एक और संधि कर ली जाती है, उससे अंग्रेज लोग बोलते हैं कि तुम्हें हम 53 लाख रुपए देंगे एक साल के अंदर। ठीक है, और तुम्हारे पास जो इस समय अधिकार है बाह्य आक्रमण, न्याय व्यवस्था, शांति व्यवस्था, ये भी क्या करो हमें दे दो। ठीक है, तुम कुछ मत करो, तुम आराम से बैठो, आराम से मस्त महल में रहो, हम संभाल लेंगे सब कुछ। वो मजबूर था, उसके जो अंगरक्षक थे उन्होंने समझाया कि तुम्हें अंग्रेजों के साथ बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे परदादा जो रहे हैं उनका क्या सुरुआ है वो तो जानते हो, और तुम अभी क्या हो, एक बच्चे हो, इसलिए जो ये संधि बता रहे हैं वो कर लीजिए, वैसे भी तुम कुछ खास कर नहीं पाओगे। इसलिए वो क्या की जाती है, संधि कर ली जाती है 53 लाख रुपए वार्षिक में, और जो निजामत का अधिकार है वो भी चला जाता है किसके पास, अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेज संवैधानिक रूप से क्या हो गए, बंगाल के कर्ता धर्ता हो गए, वो जो करना चाहते थे सब होता था उन्हीं के द्वारा। नवाब जो था पहले नामात्र का था, अब केवल दिखावे का था। ठीक है, केवल बेटा था, उसके पास कुछ नहीं था। तो ये 53 लाख रुपए वार्षिक की भी क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। ठीक है, इसके बाद
जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी इसके पीछे ठीक है, इस संधि के मायने के लिए इतिहासकारों का क्या मत है, इतिहासकार क्या सोचते हैं, क्या क्लाइव ने सही किया, क्या क्लाइव ने गलत किया, या क्लाइव के द्वारा जो निर्णय लिए गए उन पर इतिहासकारों का क्या मत है। देखिए इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि क्लाइव ने क्या किया, बिल्कुल गलत किया। क्या किया क्लाइव ने? बिल्कुल गलत किया, क्योंकि उन्होंने जैसे ही बक्सर के युद्ध को जीता था वैसे ही दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम करनी चाहिए थी, अवध को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए था और संपूर्ण भारत पर राज करना चाहिए था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के शासक के साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार किया, उस पर इतने प्रकार के नियम कायदे नहीं लगाने चाहिए थे क्योंकि ये स्वयं एक भारी व्यक्ति थे और दिल्ली के जो सुल्तान था उसके साथ उन्होंने जो व्यवहार किया वो गलत किया। ठीक है, वो बिल्कुल काबिले माफ करने के नहीं है, क्योंकि बेनीपाट ने क्या किया था, उसके साथ एक समझौता किया था कि हम तुम्हें जो अवध है वो भी लौटा देंगे, लेकिन दिल्ली के सुल्तान को अवध नहीं लौटाया जाता, इसलिए क्लाइव ने उसके साथ धोखा किया। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि क्लाइव ने बिल्कुल सही किया, उसने अपनी जो बौद्धिक क्षमता थी उसका विकास किया, बिल्कुल सूझबूझ के साथ विचार लाया, क्योंकि वो जानता था कि इतने बड़े साम्राज्य पर कंपनी नहीं अधिकार रख सकती, क्योंकि बंगाल के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं वो चल रही थी, इसीलिए क्लाइव के द्वारा जो कुछ किया गया सही किया गया। ठीक है, तो ये इलाहाबाद की संधि का एक छोटा सा मूल्यांकन जब था जो मैंने मौखिक रूप से आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे आगे हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बातें करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।